हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हम ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के हिडन फीचर्स की वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको टू फिंगर से पिंच आउट करना होगा, इस तरीके से आपको पिंच आउट कर देना है। नेक्स्ट, यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है विजिट्स का ऑप्शन, तो इस विजिट्स पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप यहाँ पर वॉलपेपर से आप लगा सकते हैं या फिर ए टू जेड वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लॉक वाला ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर अपनी होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं। और यहाँ से आपका एक और मिल जाता है ऐड गैलरी का ऑप्शन, तो इस पर आपको जैसे क्लिक करना है और यहाँ से आप इस तरीके से इसे लगा सकते हैं, बट आपका ऑलरेडी लगा हुआ है ये वाला। और यहाँ से कैलेंडर का लगा सकते हैं, तो कैलेंडर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कैलेंडर का आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में विजिट्स यूज कर सकते हैं। फिर दोबारा से आपको यहाँ पर टू फिंगर से पिंच आउट करना है और यहाँ से डेस्कटॉप सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने फ़ोन में एप्लीकेशन हाइड कर सकते हैं। तो हाइड ऐप्स पर जाएंगे और यहाँ से आपको एक पासवर्ड सेट कर लेना है डबल हैश करके, और कोई 4 डिजिट का एक पासवर्ड, उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखी है, हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं आप। तो डबल हैश 78 और 78 ये मैंने डाल रखा ऑलरेडी। और यहाँ से प्लस के आइकन पर जाएंगे और यहाँ से आप किसी एप्लीकेशन को हाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर फेसबुक पर क्लिक करते हैं, कन्फर्म कर देते हैं, तो ये आपका एप्लीकेशन हाइड हो चुका है, ये एप्लीकेशन आपका हाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा एप्लीकेशन हाइड हो चुका है। तो इस तरीके से आप हाइड ऐप कर सकते हैं। बाकी यहाँ से टू फिंगर से पिंच आउट करेंगे, गेस्ट सेटिंग पर क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको और नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि रेटिंग, इस फ़ोन की रेटिंग बारे में, या फिर चेक अपडेट्स। अपडेट्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो भी आपके फ़ोन में अपडेट आई हो। बट यहाँ पर गेस्ट सेटिंग पर क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की सेटिंग मिल जाती है, जैसे कि स्लाइड अप ऑन लॉन्चर, अगर आप अप करेंगे तो आपके एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर ऑल ऐप लिखा हुआ है, यहाँ पर स्लाइड डाउन तो लॉन्चर की सर्च ओपन हो जाता है, स्लाइड अप विद टू फिंगर, अगर आप टू फिंगर अप करेंगे तो आपके हाइड ऐप ओपन हो जाते हैं, स्लाइड डाउन तो वॉइस सर्च ओपन हो जाता है, पिंच आउट विद टू फिंगर तो लॉन्चर सेटिंग, पिंच आउट टू फिंगर तो यहाँ पर आपका ये लॉन्चर सेटिंग ओपन होती है, और पिंच इन पे भी आपकी लॉन्चर सेटिंग ऑन होती है। बाकी यहाँ से आप इस तरीके से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर नन कुछ भी नहीं हो रखा है, तो यहाँ से आप और कुछ भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन बार, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन बार को ओपन कर सकते हैं। तो ये सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फोल्डर थंबनेल है, तो इसका साइज आप यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से आपको इसे बैक कर देना है। यहाँ पर फ़ोन मास्टर पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से ऊपर की ओर स्वाइप करना है और यहाँ से आप जंक फाइल को डिलीट कर सकते हैं। जंक फाइल पर क्लिक करेंगे, क्लीन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग को ओपन कर देंगे और यहाँ से इसे एक्सेस कर देना है एक बार आपको, और यहाँ से आपको ये सारी जंक फाइल आपकी डिलीट हो जाती हैं। फ़ोन कूलर मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपकी जो फ़ोन में हीट हो जाती है वो आपका ये हीट को दूर कर देता है, कूल डाउन कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन की हीट को दूर कर सकते हैं, अपने फ़ोन को कूल कर सकते हैं ओनली 18 सेकंड में। ओके, अब यहाँ से आपको दोबारा से फ़ोन मास्टर में जाना है और यहाँ से आपको जाना है ऐप लॉक, तो ऐप लॉक पर क्लिक करेंगे तो आप किसी एप्लीकेशन को लॉक कर पाएंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी पैटर्न लॉक एक डाल रखा है, तो ये पैटर्न मैंने डाला और यहाँ से किसी एप्लीकेशन को आप लॉक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 2 एप्लीकेशन लॉक करके रखे हैं, जिस एप्लीकेशन को क्लिक कर देंगे आप वही एप्लीकेशन लॉक हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में ये सेटिंग कर सकते हैं। बाकी फ़ोन बूस्ट, यहाँ से आप फ़ोन को बूस्ट कर सकते हैं, जैसे कि सारे वायरस वगैरह आ जाते हैं आपके फ़ोन में, तो वायरस यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो बूस्ट करेंगे तो ये आपका फ़ोन की मेमोरी जो होती है वो क्लियर हो जाती है। बैक, यहाँ से आपको बैक कर देना है। नेक्स्ट, यहाँ से आपको सेटिंग पर क्लिक करना होगा और सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है नीचे की ओर, यहाँ से स्पेशल फंक्शन पर क्लिक करना है, और करने के बाद यहाँ से आपको जाना है स्मार्ट पैनल पर, ये है स्मार्ट पैनल, इसको ऑन कर देना है। यहाँ से क्लिक करेंगे ऑन कर देंगे, तो यहाँ से आप स्मार्ट पैनल
ऑन कर पाएंगे, इससे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, स्क्रीन शॉट ले पाएंगे, फ़ोन को डायरेक्टली लॉक कर पाएंगे, या फिर यहाँ से आप कैमरा ओपन कर पाएंगे क्रोम हाई ट्रांसलेट, या फिर यहाँ से एडिट पर क्लिक करेंगे तो और भी कुछ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सी लाइन पर करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे और भी एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो यहाँ से आप यूट्यूब वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपने इस क्विक सर्च में या फिर स्मार्ट पैनल में। बाकी यहाँ से आपको जाना होगा एक्सेसिबिलिटी पर, और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेनू पे जाना है और इसे ऑन कर देना है, जिससे कि आपका ये एक्सेसिबिलिटी ऑन हो जाती है। तो यहाँ से ऑन करेंगे इसे, फिर यहाँ से आप डायरेक्टली वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, और यहाँ से अप कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं इस तरीके से, और ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। डायरेक्टली होम स्क्रीन पर जा सकते हैं आप, और डायरेक्टली आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं फ़ोन को। सो इस तरीके से आप ये सेटिंग यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आपको बैक चले जाना है, और यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंडर पर क्लिक करना है, और अगर आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आती हैं किसी एप्लीकेशन से तो वो आप यहाँ से इस तरीके से डिसेबल कर देना है। सो ये कुछ आज की इस वीडियो में हिडन फीचर्स थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।